सभी का जो जो इस लड़ाई में आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। पूरा देश आज हमारे साथ खड़ा है। दिल्ली के जंतर मंत्र विखे पहलवानों की हड़ताल 21 दिनों तो जारी है। किसान जथेबंदियां, खाप पंचायतां अते मजदूर जथेबंदियां लगातार सहयोग ले वड्डी गिनती विच दिल्ली पहुंच रही हैं। इस मौके पहलवान साक्षी मलिक अते विनेश फोगाट ने सारिआं दा धन्नवाद करदिआं कहा कि इन्हां बजुर्गां दे आशीर्वाद नाल साडी लड़ाई जारी रहेगी ते असीं इक दिन जरूर जित्तांगे। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सबसक्राइब करो अजीत वैब टीवी अते ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो। देखो 21 दिन हो गए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और बस वही बात, हम तो चाहते हैं कि पहले जैसा हमने बताया कि लड़कियों के भी बयान पूरे नहीं हुए, बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, तो बस यही चाहेंगे कि जल्दी से बयान हो और उचित कार्रवाई हो। और पहले दिन से बता ही रहे हैं कि जब तक नई न्याय मिल जाता हम नहीं उठने वाले हैं, चाहे 21 क्या कितने भी दिन हो जाए। पुलिस ये कह रही है कि अभी उनके बयान 164 के कराए जा रहे हैं, ये कल से दिए गए, इससे आप कितने सहमत हैं? आप लोगों के पास भी कोई मैसेज आया है? देख ले, बयान जो चल रहे हैं वो पुलिस बोल रही है तो बयान चल रहा है, लेकिन वो डिले हो रहा है प्रोसेस में। 21 दिन से क्या 164 के बयान भी नहीं हो रहे, जहाँ पे पॉक्सो के FIR दर्ज हो रखी है, तो स्लो है प्रोसेस बिल्कुल। और वही हमारी मांग है कि गिरफ्तारी करने के बाद में इंटरोगेशन होना चाहिए। देखो 164 में तो पुलिस का कोई रोल ही नहीं है, वो तो मजिस्ट्रेट का रोल हो जाता है पूरा ही पूरा, तो वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी भी लड़की को, जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं। तो दिल्ली पुलिस का तो व्यवहार चलो रहा ही है, वो तो हमेशा बताने की कोशिश कर ही रहे हैं उधर से। और SIT गठित की है तो अभी देखते हैं SIT मतलब किस तरीके से जाँच करती है, वो ब्रजभूषण की जाँच ज़्यादा करती है या हम खिलाड़ियों की जाँच ज़्यादा करती है, वो तो हम हर तरीके से कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जाँच प्रोसेस जो भी है वो फास्ट होना चाहिए।